आई थिंक सो, आई वेटेड 13 मंथ। कुछ काम करती हूँ जिसका कोई जरूरत नहीं है, पर सून एज पॉसिबल शी गॉट द मनी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग, एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मेनी विशेस टू सना। वो बहुत खुश हो गए, सो थैंक्स ए लॉट। एंड अभी का मौसम फुल भूतिया नहीं, बहुत ही रोमांटिक टाइप है। ये मौसम देखती हूँ ना तो मुझे सिर्फ शाहरुख खान का बात याद आते हैं, बिकॉज शाहरुख खान के बहुत सारे गाने हैं यू नो जो फॉल सीजन में उन्होंने शूट किया था। पर पता नहीं यार कब मैं शाहरुख खान का कोई मूवी, अभी मूवी थिएटर में जाके देखूंगी। मुझे जवान देखने का बहुत ही मन था, फिर अभी ना होता ही नहीं है। राही सो बिजी, सैटरडे संडे हम लोग घर से ही नहीं निकलते। एंड थैंक यू सो मच आप बहुतों ने मुझे, यू ऑल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सोचा ना कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इट्स ए सीरियस वीडियो राइट। बच्चे का जब एडुकेशन का बात होता है इट्स ए रियली सीरियस थिंग, कोई फनी चीज़ तो है नहीं। एंड यू नो बिकॉज राय भी बहुत कुछ जानती है तो मैंने सोचा है मैं लिख लूँगी यू नो बिकॉज राय हैज़ मोर नॉलेज, क्योंकि सी वी आर फर्स्ट जनरेशन, हम लोग तो इस कंट्री में पढ़े नहीं। जो मेनी ऑफ यू टोल्ड मी यू नो स्पेशली जो लोग ने मुझे लिखा है कमेंट पे कि क्या क्या सवाल है कि फर्स्ट जनरेशन है पता नहीं है। फिर शौमिक को भी बहुत कुछ पता है बिकॉज यू नो मेनी ऑफ इस कॉलिग के बच्चे लोग अब इस कॉलेज में जाते हैं एंड ऑल। तो मैं शौमिक को बोल रही थी शौमिक तुम आओ ना ये वीडियो में बिकॉज ही कैन एक्सप्लेन इट रियली नाइसली, तो देखते क्या होगा। नहीं तो वही मैं लिख लूँगी एंड देन आई विल से रट्टा मार लूँगी, जो वो लोग बोलेंगे वही आप लोग मेरी जबानी सुन लेंगे। एंड या अभी जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आज थर्सडे है एंड थर्सडे मैरी आ जाती है, तो मैरी आती है ना सब लोग सना भी डर जाते, जैसे सिद्ध को हम लोगों ने नहला दिया। नो दे आर वेरी प्रोफेशनल ना, वो आती है ना वो तूफान की तरह काम करती है। एंड ऐसा नहीं है कि तूफान की तरह ऐसा काम करके चले गए, लाइक मैं क्या बोलूँ यार पिक्चर परफेक्ट वो काम करती है रियली। इट्स ए ट्रीट टू द आई, वो जैसे बिस्तर एंड ऑल बनाती है ना। एंड हाँ रिगार्डिंग सिद का स्कूल, बहुत जन बोल रहे थे पायल सिद छोटा है इम्यूनिटी यू नो ही माइट गेट सिक, तो देखो एट द एंड ऑफ द डे बच्चे लोग जब भी स्कूल में जाए वन डे तो ही हैज़ टू गो, ही विल गेट सिक फॉर श्योर। हाँ एक साल तक यू नो जैसे बोलते बच्चों का इम्यूनिटी कम होता है एंड ऑल दैट, बट आफ्टर दैट या बच्चों तो डे केयर में भी जाते हैं, दे गेट सिक बट आफ्टर वर्ड धीरे धीरे दे गेट यूज टू इट। बीमार तो हम लोग कभी ना कभी होंगे, स्पेशली जो सीजनल बीमारी होते वो हाउ मच आप बच्चों को कितना और घर में रखेंगे, एंड इट्स फाइन यू नो बोलते वो लोग का इम्यूनिटी भी ऐसे करके ग्रो होता है। तो चलिए मैं आप सबको टाइम दिखा देती हूँ एंड फिर जल्दी से हम लोग लंच बनाते हैं। सो नाउ द टाइम इज 10:20 नहीं नहीं या 10:30। तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बेल पेपर लिया है, लिटिल बिट ऑफ अनियंस एंड हाफ टमाटर। तो अभी ना मैं ये तीनों को ही ना एक साथ में ना लाइक फाइनली चॉप्ड कर लूंगी। यहाँ पे मैंने 4 अंडा लिया है एंड अभी आप लोग सोच सकते हैं क्या पायल ऑमलेट ही बनाओगी, नहीं आज ऑमलेट नहीं बनाएंगे। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट दिया है एंड उसके बाद आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। एंड मेरे पास ना मैगी का मैजिक मसाला था वो मैंने थोड़ा ऐड किया है, नो नीड टू ऐड, आप ना थोड़ा हल्दी ऐड कीजिएगा। फिर आपको अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। इफ़ यू वॉन्ट यू नो आप मिक्सर चला सकते हैं, वो सबसे जल्दी आपका अंडा बहुत ही अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा, बट ऐसे ही मैं हाथ से कर रही हूँ। देन आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा, ऑयल थोड़ा आपको ऐड करना है। तो जब अच्छी तरीके से सब मिक्स हो जाए ना देन हम लोगों ने जो अनियंस एंड ऑल जो फाइनली चॉप किया था वो हम लोग ऐड कर देंगे। ये एक बेकिंग डिश है, मैंने थोड़ा ऑयल दिया है, अच्छी तरीके से मैं ब्रश ग्रीस कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट हैव ए बेकिंग डिश तो कोई स्टील का कंटेनर भी चलेगा, बेसिकली अभी हम लोग इसको स्टीम करेंगे तो कोई भी यू नो कंटेनर हो वो चलेगा। तो यहाँ पे चलिए ये मुझे प्रेशर कुकर के साथ मिला था, अभी पानी को ना थोड़ा हम लोग गर्म करने के लिए बिठा देंगे। सो इसको आपको स्टीम करना है लगभग आई विल स्टीम फॉर 50। ग्रेवी बनाने के लिए ना फर्स्ट मैंने ऑयल पे 2 इलायची फिर 2 लौंग, दो से ज़्यादा लौंग मत दीजिए,
लिटिल बिट ऑफ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ पॉपी सीड्स, इफ़ यू डोंट लाइक पॉपी सीड्स यू कैन स्कीप दैट पार्ट। उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज, फिर जिंजर गार्लिक सब दे के अच्छी तरीके से मुझे इसको फ्राई करना है। मेरे पास 2 इटालियन एग प्लांट है तो मुझे लगा चलो भरवा बैंगन स्टाइल में कुछ बनाया जाए। एंड ये एग प्लांट मैंने कल भी आपको दिखाया था, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी सीड्स नहीं होता है। तो अभी ये बनाने के लिए एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने फर्स्ट लिया है अराउंड 2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, हल्दी पाउडर, देन 1 टीस्पून ऑफ अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर, देन रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा भाजा, मेरा भाजा मसाला, देन सॉल्ट एंड थोड़ा सरसों का ऑयल। अभी मैंने थेचा बनाया था तो मेरे पास थेचा ऑलरेडी था तो वो मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है। अब अगर आपके पास थेचा नहीं है देन डू वन थिंग, थोड़ा ना लिटिल बिट ऑफ मूंगफली को ना ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा एंड लिटिल बिट ग्रीन चिली फ्राई कर दीजिएगा, तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा लाइक पेस्ट बना के। तो अभी हम लोग अच्छी तरीके से स्टफिंग को इनसाइड जितना हो सके बैंगन को भरेंगे विद दिस स्टफिंग। एंड चलिए अभी देखते हैं हम लोग ने जो फ्राई बिठाया है वो क्या हुआ है। तो सी वंस द अनियंस आर फाइनली कुक एंड टमाटर भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अभी ठंडा होने के बाद ना हम लोग इसका एक प्योरी बना लेंगे एंड डेफिनेटली ऐड लिटिल बिट वाटर इन इट। लिए ओपन करके देखते हैं हुआ है कि नहीं। यस इट इज़ परफेक्टली डन। सपोज अगर आपने ओपन किया है एंड इट इज़ नॉट डन तो क्या करेंगे, फिर से बिठा देंगे कवर करके एंड लेट्स इंसर्ट ए टूथपिक एंड देखते हैं जैसे हम लोग केक में करते हैं। या इट इज़ परफेक्टली डन। सो उसको निकालने के बाद मैंने ऐसा कट कर लिया है एंड मुझे लगा कैमरा इज रिकॉर्डिंग, पर लुक कैमरा मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं प्रेस किया, ऑफ हो गया। सो सी कितना अच्छा हुआ, जस्ट लुक एट इट, केक जैसा लग रहा है, समथिंग डिफरेंट यू नो, जब नॉर्मल का एक करी खा के बोर हो जाए। घर वालों को भी समटाइम्स यू नो वैरायटी चाहिए, नहीं तो समटाइम्स अगर आपके गेस्ट आ रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू मेक ए अंडा करी, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए नॉर्मल वन आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो अभी पैन पे मैंने ऑयल लिया है एंड हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था ना वो आपको ऐड करना है, अच्छी तरीके से भूनना है, एवरीथिंग इज कुक तो कोई टेंशन का बात नहीं है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। एंड चलिए अभी बैंगन बनाने के लिए फर्स्ट मैंने ऑयल पे थोड़ा जीरा दिया है एंड उसके बाद थोड़ा मैं हींग दे रही हूँ, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। एंड अभी ये बैंगन ना आपको स्लो कुक करना है तो मैं लो फ्लेम पे धीरे धीरे करूँगी, तो बैंगन अपना धीरे धीरे होता रहेगा। एंड तो ये ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है तो अभी हम लोग थोड़ा पानी देके ना इसको थोड़ा कवर करके रख देंगे। हाँ, सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट कभी मत भूलना चाहिए एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ शुगर आल्सो। मैरी आ गई ना तो अभी घर में फुल टेंशन का माहौल हो गया, टेंशन का माहौल नहीं यू नो जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। एंड या समटाइम्स यू नो वी गेट बोर्ड ऑफ हैविंग द सेम अंडा करी, सेम अंडा करी, यू कैन ट्राई दिस मेथड। अगर आपको ना लगे ऐसा स्टीम कितना बोरिंग है, बेस्ट ना माइक्रोवेव में दे दीजिए, इट विल बी द सेम ओनली, पर स्टीम में ना ऐसा फ्लफीनेस आता है। एंड अगर यू नो समटाइम्स आपके घर में गेस्ट आए एंड यू फील कि हाँ अंडा करी बनाना है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा ये अंडा करी ना शॉमिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है बिकॉज ही इज़ लाइक यार पता नहीं चल रहा है मैंने कितना अंडा खाया है, बिकॉज वेन यू मेक द अंडा करी यू कैन सी ना हाँ एक फुल अंडा मैंने खाया है, बिकॉज शॉमिक को एंड सीत को दोनों अंडा एंड राय को भी, तीनों को अंडा बहुत पसंद है। राय को बाकी इतना नॉनवेज पसंद नहीं है, मोस्टली शी इज अ पनीर गर्ल मैं बोलूंगी। ग्रेवी में से उबाल आने लगे ना एट द टाइम एट द पीसेस, बना के देखिएगा एंड सी आपके घर वाले क्या बोलते हैं, मैं भी बताऊंगी शॉमिक क्या बोलेंगे। तो अभी धीरे धीरे करके ना आपको इसको फ्लिप ओवर करना है एंड अनदर 5 मिनट्स हो जाएगा। सो बैंगन को ना आपको धीरे धीरे देन साइड भी चेंज करना है, नहीं तो एक तरफ कच्चा ही रह जाएगा। बट बैंगन से अच्छी तरीके से हो रहा है, स्टफिंग एक्चुअली इतना ज़्यादा बाहर निकल के भी नहीं आ रहा है। Somebody wrote me in the comment that you know it seems renovate your house as soon as possible, then change the couch to white, get a white couch and paint the entire house white. You want to say her anything? Why? I don't know. You have a kid. What house? what kid? What house is going to keep white?
with a white couch. What, is the kid not allowed to go in the living room? And she's like, renovate as soon as possible. She got the money? Yeah, so I also told, send me the money, right? Yes. If you send me the money, it's so easy to renovate. Just give me the money to do it. Or just buy me a house that you... Yeah, Sanaka correct. Buy me a house. आज मेरे घर में कोरिएंडर लीव्स ही नहीं है, तो एट द एंड मैंने थोड़ा ही कोरिएंडर लीव्स ऐड किया. एंड बैंगन में ना जब हो जाए एट द एंड ऐड सम लेमन, थोड़ा नींबू का जूस ऐड कीजिएगा. एंड कोरिएंडर लीव्स मेरे पास नहीं है, तो चलिए अभी निकाल लेते हैं ये. इसको अब क्या नाम देंगे, आप लोग ही नाम दीजिए, आई एम टोटली कन्फ्यूज. थोड़ा घी एट द एंड मैंने ऐड कर दिया है. एंड सी, बैंगन इज डन. मैं जैसे बोल रही थी ना, मैंने थोड़ा नींबू का जूस भी ऐड किया है. हाँ, रेक्स इज वॉरिड, घर पे कौन आया है ये अलग बात है. मैरी को 2 साल से वो देख रहा है, अभी भी मैरी आती है ना तो ही विल स्टार्ट बार्किंग. तो वो बहुत लाइक वॉरिड है, लाइक इट्स देयर यू नो, ऐसा वो लोग का रहता है. इट सीम्स लाइक बहुत ही टेंस्ड है, कौन आया है घर में. सो ही विल गो एंड ही विल मॉनिटर. सी, कैसा करके बैठा हुआ है. Oh my love you. Oh my papa. मैं छोना बाबा. ऐसा पोजीशन मतलब दे आर अलर्ट. रैक्स के हाथ से कोई भी बचना नहीं चाहिए. घर में ना वो लोग काम कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि चलो मैं सिद को एंड रैक्स को दोनों को ही पार्क में लेके चलती हूँ. तो मौसम सुहाना होता है तो शायद बच्चों को नींद आता है ना. तो सिद, आई जस्ट शो यू ऑल. जस्ट लुक, सिद फुल सो गया. मुझे बुरा लग रहा है यार, ही स्लीपिंग. एंड रैक्स का भी हो गया, तो मैं क्या करूँ. मैं भी 1-2 चक्कर देन मैं सिद को घर पे लेके चली जाऊँगी. पर इतना सारा साउंड हो रहा है ना, वो जाएगा फिर तुरंत जग जाएगा. बिकॉज ही वॉज अवेक यू नो, आई जस्ट केम एंड 1 चक्कर उसी में सो गया. देखते ही देखते एक रोज मुझे लगता है सिद भी बड़ा हो जाएगा. आज आप लोग बहुत जन बोल भी रहे थे कि सिद अभी स्कूल भी जाएगा, तो सिद ना इज टोटली नॉक्ड आउट. मैंने उसको कार से भी निकाला, लाइक कुछ भी उसका, एटलीस्ट मुझे लगता है 1 घंटा तो अच्छी तरीके से वो सोएगा ही. समटाइम्स आई फील ना मैं कुछ कुछ काम करती हूँ जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं ना ऐसी ही हूँ. राय के टाइम में ऑल्सो आई वॉज लाइक दिस. लाइक राय के टाइम में यू नो, राय जब इतनी छोटी थी तब मैं कितना कुछ, मुझे नहीं आता था, मुझे ड्राइविंग करना नहीं आता था, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. मुझे लगता है इफ़ यू लिव इन दिस कंट्री देन ऑल्सो. तो सिद को बेफालतू ही लेके गई, जो भी हो वो सो गया. बट चलिए अभी आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विथ ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं कमेंट देख रही थी एंड मेनी ऑफ यू आर राइटिंग कि आप सबका हालत भी मेरा जैसा है कि आप कलर ना करें तो फुल चुड़ैल बन जाएंगे. तो आई थिंक सो तब एनी और 2 रोज पहले, क्योंकि ये कल शाम को ही आया है, मैं ना ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी एंड फिर ना वन लेडी शी वाज यूजिंग दिस वन. दिस इज से, इसका नाम क्या है, दिस इज मेडिसन. या मेरा चश्मा नहीं है यार, आई एम सॉरी. मेडिसन रीड आई थिंक सो. हाँ, तो मेरे पास ना लाइक ये लॉरियल का है एंड दिस इज सो बैड यार. ये लगाते हैं ना, एक तो इसका स्मेल बिल्कुल भी लाइक बहुत ज़्यादा इसका लगता है केमिकल है. एंड जहाँ पे लगा है ना ऐसा पूरा ब्लैक स्पॉट जैसा हो जाता है, लाइक बहुत अजीब लगता है. बट दिस इज सो गुड यार. सी, आई गॉट द ब्लैक कलर. एंड इस पर अगर चाहे तो आप ब्राउज पे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये पाउडर जैसा है. लाइक आपको ब्रश पे सिर्फ थोड़ा लगाना है, ऐसा कुछ नीचे वीचे भी कुछ नहीं गिरता है. एंड चलिए यहाँ पे जैसे कि, क्यों मैंने ये साइड पे ही थोड़ा किया है, यहाँ पे जैसे कि थोड़ा थे ना, तो जस्ट गिव इट. सी, अप्लाई, मैं थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ एंड फिर थोड़ा ऐसे ना हाथ से थोड़ा रब कर दीजिए. सी, बहुत ही अच्छा हो जाता है. एक कुछ बहुत ही नेचुरल एक ना लुक देते हैं. मुझे ये इतना काफ़ी नहीं, बहुत अच्छा लगा. एंड स्पॉन्सर नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं स्पॉन्सर है, ये लोग मुझे क्यों स्पॉन्सर करेंगे. तो डेफिनेटली यार मैं बोलूँगी दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, दिस इज़ $32, बट मैं बोलूँगी इट इज़ वर्थ इट कम्पेयर टू ऑल दिस यू नो. एंड ये अच्छा है ना बैक पे भी, यू कैन, इट्स लाइक ए कॉम्पैक्ट पाउडर, आप बैक पे भी ले सकते हैं. एंड ये अंडा इतना टेस्टी लग रहा है ना, डेफिनेटली ना इस तरीके से स्टीम कीजिएगा. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा ऑल्सो इन इट, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा. लाइक बहुत ही सॉफ्ट हुआ है. मैं कहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज मैं फ़ोन से कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखना है ना. सो टाइम इज
2020 एंड हाँ व्लॉग एंड करने से पहले आप सबको एक बहुत ही ग्रेट न्यूज देना है बिकॉज मैं आप सबसे पूछती रहती थी एंड अभी मेरे पास कमेंट आया तो मुझे लगा रहे मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई दैट फाइनली आई थिंक सो आई वेटेड 14 मंथ्स फॉर दिस डे कि सीध अभी फाइनली रात में फुल सोता है. इट स्टार्टेड ना आई थिंक सो लास्ट वीक से स्टार्ट किया जब से लाइक सीन ना वॉक करना स्टार्ट किया मे बी ही गेट्स टायर्ड यू नो क्योंकि वो होल टाइम तो सिर्फ वॉक ही करता रहता है. आई थिंक सो लास्ट थर्सडे हम लोगों ने नोटिस किया सिर्फ जैसे सोता है फिर वैसे मैं बोलती हूँ ना वो बीच में रात में एक बार जगता है तो सिर्फ ना फुल नहीं रात में नहीं जगा एंड अभी क्या होता है एक साल से ऊपर यू ना मैं रात में जग रही हूँ तो एक आदत हो जाता है ना. मैं ना 4 बजे उठी फिर मुझे लगा क्या हुआ देन आई वेंट नियर द क्रीप देख यहाँ सीध सो रहा है तो जो भी हो बट फाइनली यार ही इज स्लीपिंग. देन द नेक्स्ट डे ना शॉमिक इज लाइक कि 5 बजे से मेरा नींद टूट गया तो मेरे क्यों तो शॉमिक इज सेम यू नो कि आदत चला गया यू नो मैं इसी शॉमिक भी 5 बजे उठे एंड ही वॉज लाइक कि अरे क्या हुआ सीध क्यों नहीं जगा तो फाइनली यार ही इज स्लीपिंग. तो अगर किसी का बच्चा है जो नहीं सो रहा है तो डेफिनेटली मुझे मेरी फ्रेंड ने भी बताया था कि पायल 15 मंथ्स होने से पहले वो फुल सो जाएगा. टोटली फॉल का वेदर है. मैंने शायद कितना बार आप सबको फॉल फॉल बोल के बोर कर दिया है. जो भी आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड. ये वीकेंड हम लोग का बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. देयर इज समथिंग जो लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ इट बट मैं नहीं हो सकती वो सब मैं आपको जब मंडे नहीं मंगलवार को वीडियो आएगा देन आई से बिकॉज मंडे यहाँ पे बंद है तो मैं भी छुट्टी मारूंगी. तो विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड. खूब मस्ती कीजिएगा खूब खाइएगा एंड हम बाय बाय.